समस्तीपुर में पंचायत चुनाव जीतने को लेकर हो रहा दारू पार्टी आयोजन, पुलिस ने चार को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर में शराब पार्टी का आयोजन करना एक मुखिया को महंगा पड़ गया। आगामी पंचायत चुनाव में दोबारा चुनाव जीतने के लिए निवर्तमान मुखिया द्वारा शराब और रुपये के बल पर मतदाताओं को प्रभावित करने को लेकर शराब पार्टी का आयोजन किया गया था। इसको लेकर पुलिस की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के कर्पूरी ग्राम के निवर्तमान मुखिया एवं मुखिया प्रत्याशी संदीप पासवान द्वारा आगामी पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब पार्टी का आयोजन किया गया था। इसमें कई लोग शामिल हुए थे। इस संबंध में मुंशी थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्रा को बीते शुक्रवार को व्हाट्सएप के माध्यम से एक वीडियो और कुछ फोटो प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से पुलिस को यह जानकारी मिली थी। मुंशी थाना क्षेत्र के शंभूपट्टी वार्ड 10 निवासी स्वर्गीय इस प्रसाद सिंह के पुत्र एवं मानसिक अपराधी चंदन सिंह के घर में एवं कर्पूरी ग्राम के वर्तमान मुखिया संजीत पासवान के नेतृत्व में एक शराब पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें चंदन सिंह के साथ अन्य लोग भी शामिल है। वीडियो में मुखिया संजीत पासवान का चेहरा पूर्ण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह ढिल्लों के निर्देशानुसार पर टीम गठित कर छापेमारी की गई, जिसके बाद पुलिस ने शराब पार्टी में शामिल चार अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान मुंशी थाना क्षेत्र के डढ़िया बेलार के मनोज साव, अजय कुमार कर्पूरी ग्राम के सोनू कुमार सिंह एवं मुखिया प्रत्याशी संजीत पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। कल थानाध्यक्ष मुफस्सिल के व्हाट्सएप नंबर पे एक वायरल वीडियो आया था, जिसमें कुछ लोग शराब पार्टी कर रहे हैं। तो चूँकि बिहार में मद निषेध है और शराब पार्टी करना और शराब का किसी तरह से भी सेवन करना वो अवैध है, गैर कानूनी। उस वीडियो का जब वीडियो की जांच की गई तो पता ये चला कि कर्पूरी ग्राम के राज कर्पूरी ग्राम के मुखिया जी संजीत पासवान, उन्हीं के नेतृत्व में ये पार्टी पंचायत चुनाव को लेकर के अपने पक्ष में लोगों को करने के लिए किया जा रहा है। जिसके बाद थानाध्यक्ष द्वारा वरीय पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना दिया गया। उसके बाद एक टीम का गठन किया गया, टीम ने छापेमारी करके उनको त्वरित कार्रवाई करके उनकी गिरफ्तारी की और जो लोग उसमें शामिल थे उनमें से भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? कुल कितने लोग गिरफ्तार थे? चार लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुल सात लोग वांटेड हैं पार्टी में, जिसमें से चार लोगों की। इनका कोई आपराधिक इतिहास है? वो हम लोग खंगाल रहे हैं, आपराधिक इतिहास देख रहे हैं। जिस मुखिया के द्वारा ये पार्टी आयोजित की गई उनकी भी गिरफ्तारी? हाँ, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है और पंचायत राज अधिनियम के तहत उनके ऊपर FIR भी किया गया। हाँ।